महेश जामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। बस में ड्राइवर के सीट के पास देसी बम मिलने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि ये देसी बम बस में मिला है। बस में बम होने की खबर जैसे ही मिली लोगों में दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि पूरा मामला नागपुर का है, जहां गणेशपेट इलाके में राज्य परिवहन निगम की केंद्रीय बस डिपो पर बस में बम होने की खबर सामने आई और मौके पर बम निरोधक दस्ते को भी बुलाया गया। बम निरोधक दस्ते ने बम को निष्क्रिय किया, जिसकी वजह से बड़ी वारदात होने से टल गया। खबरों की माने तो जिस बस में ये बम मिला है वो बस गढ़चिरौली से आई थी और बस के ड्राइवर के सीट के पास में ही ये बम मिला। बम बताया जा रहा है कि ये देसी बम था, लेकिन बम निरोधक दस्ते ने बताया जा रहा है कि इस बम को निष्क्रिय कर दिया है और आगे इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन जारी। どうも。